गुड इवनिंग गाइस, वेरी गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। अभी रात के बजे 9:30 और हम आपको ले जाएंगे नैनीताल, अल्मोड़ा और कहाँ हमें पता नहीं है, बट वी विल टेक यू थ्रू द ट्रिप। हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम आपको बताएंगे, और रात के 9:30 और सुबह एक्सपेक्टेड अराउंड 4 AM वी आर एक्सपेक्टेड अराउंड नैनीताल। सो ये ट्रिप के बारे में, इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द इंटरेस्टिंग ट्रिप्स विद मिस्टर गोला। और ये ट्रिप हम गोला साहब और मैं, मेरे ख्याल से हमने बहुत 3-4 सालों से कोई साथ में ट्रिप नहीं मनाया, और हमारे साथ एक और तीसरा हमारा हंटर मिस्टर अंगिया इज मिस्ड हियर, और अंगिया को हम मैसेज डालेंगे और अभी बोलने का मौका दिया जाए, बोलने का मौका भी दिया जाएगा। तो अब आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ गाइस, बहुत प्यारे प्यारे गाने सुनते हैं, हमें भी आए हैं, अपने घरों से निकल के आए हैं, रात के 9:30 बज चुके हैं और 1st of January है। फर्स्ट ऑफ जनवरी, वी विश अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। एंड सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जिंदगी हंसने गाने के लिए है, पल दो पल। Fantastic. That's all over to you. तो इंसान है, अवतार नहीं। हाँ, और गलतियां होंगी और जिंदगी भर करनी है और उनका मजा लेना है। That is the message. Fantastic. And हम आपको ले जाएंगे अभी पूरे ट्रिप में और दिखाएंगे आगे क्या क्या चीजें हम करते हैं, और फिर बात करेंगे, दोबारा अपडेट देंगे आपको। Yo yo. We'll see you again. Bye bye. और ये रात के 10:30-11 के आसपास आप देख रहे हैं, जैसे कि बहुत ही ज़बरदस्त फॉग, और हम फॉग को पार करते हुए निकल रहे हैं आगे, और आगे का अपडेट देंगे आपको जैसे जैसे हम। नहीं, इधर दिखा दें पहले थोड़ा, इधर मेरी तरफ। हाँ, ये देखिए ड्राइवर सीट चेंज हो चुकी है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि धुंध बहुत ज़्यादा है और मफलर गले की जगह कान पर आ चुका है, इसका मतलब कॉशियस लाइफ में कब कॉशियस होना है कब फास्ट जाना है वो हमें सोचने की जरूरत है। थैंक यू। और रात के बजे हैं 2, और अभी हमने यहाँ पर से आलू पराठा और गोभी पराठा खाया है, वन ऑफ द वंडरफुल प्लेसेस, मोगा ढाबा, हाईवे से थोड़ा सा नीचे। और आपका क्या फीडबैक है गोला साहब खाने के बारे में? पेट भर गया और अब तैयार है नई जर्नी के लिए दोबारा से। वेरी गुड, तो अभी दोबारा बताते हैं आपको और उसके बाद दोबारा मिलेंगे। राइट कहाँ यार? ए पीछे 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 करो, पीछे और पीछे पीछे मुंह को। वेरी गुड। करीबन 10 फुट गहरा पानी, और इधर ये पानी जो है पेड़ों के बीच में से निकलता हुआ ऊपर, अगर आप देखेंगे यहाँ पर हो सकता है स्रोत हो, और वहाँ पर आपको शायद उधर दिख रहा हो पानी के ड्रॉपलेट्स, तो ये सारा इस नदी में मिल रहा है, चांफी की नदी, इसमें सारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर।
और वंस अगेन जबरदस्त वंडरफुल व्यू इन टू द नेचर, नेचर की लैप में, नेचर की गोद में बैठ करके अच्छा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मिस्टर गोला ने अभी पानी में हल्की सी डुबकी लगाई विद जूते, और उसकी वजह से जूते जो हैं अभी हाथ में हैं और ठंड पूरी फील हो रही है, फील हो रही है जनवरी के महीने में, शुरू हो चुकी है जनवरी के महीने में। और थैंक्स टू दीपू कि हमें यहाँ पर लाए गए, बहुत ही बढ़िया नेचर लोकेशन। और ये देखिए एक बार और, शाम का समय 6:30 5 के आसपास, और ये चांफी का व्यू, मजा कभी कभी सजा कैसे बनता है उसका एग्जाम्पल हमारे पास जीता जाता था, एग्जाम्पल लाइव। देखो मैं वैसे आपको ये बोलूंगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत दर्द हो रहा है। यार हर 25 किलोमीटर के बाद फूको। बिल्कुल। और ये देखिए हम जा रहे हैं यहाँ पर वंडरफुल रोड, और क्या बोलें इसको, कड़कनाथ रोड है, कड़कनाथ। और अभी मैं आपको साइड का पूरा व्यू दिखाता हूँ, मगर मेरे ख्याल से दिखा नहीं पाएंगे, साइड का व्यू दिखाने के लिए नीचे उतरना पड़ेगा गाड़ी को। रिकॉर्डिंग चल रही है। अभी हम जस्ट इसी नदी के तरफ से आए थे, और यहाँ पर ये रास्ता थोड़ा खराब है, बट क्या जगह थी। और ये नॉर्मल रास्ता स्टार्ट, वेरी गुड मॉर्निंग, डे टू, भवाली का शहर। और आज हम प्लान कर रहे हैं, मतलब वैसे तो रैंडम था, मगर आज हम प्लान कर रहे हैं कि वी विल गो टुवर्ड्स अल्मोड़ा बिनसर। तो सुना है रास्ते में कुछ सड़क वगैरह ख़राब है, और मगर देखते हैं आगे क्या है, तो आगे अभी आपको बताएंगे। और हम पहले कुछ जगहों में ब्रेकफास्ट वगैरह देखते हैं, पहले ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद आगे निकलेंगे। बोला साहब कुछ आप कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? हैड अ वंडरफुल डे यस्टरडे, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टुडे। क्या बोलें इसके आगे, रैंडम है और रैंडम ही जा रहे हैं, पर्पस इस ट्रिप का रैंडमनेस ही था, तो वी आर ऑन पर्पस। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू गाइस। Thank you.
और इस रास्ते से अभी हम गाड़ी लेकर के आए नीचे, और यहाँ पर हम नदी में थोड़ा सा मस्ती करने के लिए, हालांकि पानी वगैरह काफ़ी कम है, बट वंडरफुल लोकेशन, वंडरफुल जगह। आपके क्या व्यू है इस लोकेशन के बारे में? व्हाट इज योर व्यू अबाउट दिस लोकेशन? यहाँ पर थोड़ा बाहर से यहाँ तो शांत है। राइट, चलो लेट्स गो। तो गाइस, जैसे कि अभी हमने बताया, अभी हम यहाँ पर पानी के, नदी के बिल्कुल साथ में ऑफ रोडिंग टाइप की, छोटी सी ऑफ रोडिंग टाइप की, और आगे से ये गर्म पानी वाली जगह है और सामने की तरफ अल्मोड़ा है। तो यहाँ से अभी हम वापस ले रहे हैं और आपको ये रास्ता भी दिख रहा होगा हमारी छोटी सी ऑफ रोडिंग का। हमारे साथ में सामने व्यू, तो आगे दिखाएंगे आपको और कहाँ कहाँ से जाते हैं, क्या क्या करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, आपको नेचर का आनंद वर्चुअल देंगे, और ये भी बताएंगे आगे आगे कौन कौन सी जगह है। जैसे अल्मोड़ा नैनीताल से ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर है, और आज हम टारगेट कर रहे हैं बिनसर एंड अल्मोड़ा, और उसके बाद धारचूला नेपाल बॉर्डर, जो हमने कल के लिए रिजर्व रखा है। Everything goes good. So let's see कि कहाँ पहुँचते हैं और कहाँ तक आते हैं। इसके बीच में हम बताना भूल गए, गोला साहब को थोड़ा सा हाइपरटेंशन हो गई और थोड़ी सी मुझे भी हो गई। यहाँ ऑल्टीट्यूड इतना तो नहीं है, मगर फिर भी थोड़ा सा कभी कभी फील हो जाता है। मेरे ख्याल से खाना पीना ढंग से नहीं हुआ, खाना और पीना दोनों ढंग से नहीं हुआ। बाकी आपको दिखाते हैं और देखते रहिए सामने क्या वंडरफुल नज़ारे हैं हमारे साथ। मगर हाँ, यहाँ पर जैसे 2 साल पहले लैंडस्लाइड और बादल फटा था, तो उसके बाद काफ़ी रोड्स में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है कहीं कहीं पे जगह पे। आपको यहाँ तो देखो, आपको बहुत बढ़िया दिख रहा है, मगर बीच बीच में काफ़ी रफ पैचेस हैं, और गवर्नमेंट उसको फिक्स करने की कोशिश कर रही है, मगर ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत आपको रफ पैचेस मिलेंगे यहाँ पर। तो आपको आगे अल्मोड़ा तक दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है, ताकि मुझको एडिट ना करना पड़े। तो अभी हम दोबारा यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है कुछ राइट साइड में, आपने कुछ टाइम पहले, जैसे 2 साल पहले लैंडस्लाइड हुआ, मगर यहाँ पर रोड बन चुकी है। तो वर्क इन प्रोग्रेस बिटवीन द वंडरफुल लोकेशन, और मेरी शक्ल और कैमरे का अलाइनमेंट थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो प्लीज़ एक्सक्यूज अस, बट आगे क्या उसको मिलेंगे। आगे 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 आगे, इंसल्ट सा फील होता है। बंदर आगे भी है, सर बचाना सर बचाना। तो ये चतई हम मंदिर आए हैं अभी, गोला साहब बंदर से बचते हुए और घंटियों से भी बचते हुए। अच्छा अच्छा है, वो जिसे वो घंटी घंटी क्यों मानते हैं, वो अपनी मन्नत के लिए, मन्नत के लिए। अपनी मन्नत पूरी होती है, घंटी चढ़ाओ प्रसाद चढ़ाओ अपने में चलता है। अच्छा अच्छा, तो ये राजा पहले ठहरे ना? हाँ राजा ठहरे, राजवंश। अच्छा राजवंश, अच्छा। जैसे कि अभी हम मंदिर में अंदर गए, और जैसे कि यहाँ पर बताया उन्होंने कि ये अर्लियर किंग थे, और यहाँ पर ये बहुत सारे
पेजेस में मन्नत वगैरह लिखी हुई है, और मन्नत लिखने के बाद जब ये पूरी होती है तो वापस दोबारा आते हैं। और अभी हमारे पास एक घंटियाँ हैं जो हमने घंटियाँ चढ़ाएंगे एज अ पुरानी लाइन। तो ये देखिए, घंटियाँ ही घंटियाँ और मन्नतें ही मन्नत, अलग अलग टाइप की, अलग अलग लोगों ने जो उनको लगा वो मन्नत वगैरह डालते हैं और यहाँ पर आते हैं। तो ये घंटी तो बंद नेचर के बीचों बीच हम यहाँ पर पहाड़ के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे और देखते कहाँ तक पहुँचते हैं। और बहुत ही उम्दा जगहों में से एक, और आप हर जगह देखो ग्रीनरी ही ग्रीनरी। नेचर के बीचों बीच आप कहाँ से आए? दिल्ली। यहाँ कहाँ से जाओगे? ऐसे घूम रहे हम, आगे भी जाएंगे जागेश्वर, अभी पता नहीं, देख रहे हैं। कौन सी जगह है ये? चितई है। चितई आता है। अच्छा 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 अच्छा। और इसके सामने जो पहाड़ है वो कौन से हैं? उस तरफ वो हिमालय। हिमालय। अच्छा, मुंशियारी, धारचूला, मुंशियारी। अरे धारचूला मुंशियारी, हाँ, बिनसर महादेव। अच्छा अच्छा अच्छा। गहराल गोलू मंदिर। अच्छा, वैसे तो हम दिल्ली से ही हैं। हाँ, मगर मेरा गांव यहाँ पर। हाँ, वहाँ होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और थोड़ी देर दिक्कत ना तो ये दिखा भी देते थे कहाँ पर है जानवर। पक्की बात, गोला साहब ने अभी बताया। हम पूछ रहे थे इनसे, साहब से, कि जानवर कहाँ मिलने का तो नहीं यहाँ पर। नहीं पता लगा आज हमारा, अभी हमने लंच किया और हमारा डिनर भी हमारा हो रहा है, तो इन्होंने पूरा बता दिया यहाँ पर हमें नहीं मिलेगा। तो वी आर लिटिल बिट सेफ, बट स्टिल वी हैव टू बी कॉशियस, क्योंकि ये जंगल हमें पता नहीं है, मगर एडवेंचर वही का है ना। राइट, मगर राइट। इस पहाड़ पर चढ़ करके इतना जबरदस्त व्यू आ रहा ना, बोला सब मजा। मैंने क्यों पूछा जानवर वाली बात? हाँ, तो मैं बताऊं। हाँ, मैंने आई हैव सीन सम एनिमल शिट देयर। अच्छा। हाँ, तो वो अब पता नहीं क्या है, घोड़ा तो आ नहीं सकता वहाँ पर, गाय हो सकती है, बकरी, गाय बकरी नहीं का नहीं है वो। हाँ, किसी। अच्छा, गुड, बट गुड ऑब्जर्वेशन। हाँ, तो घोड़ा नहीं है, डॉग नहीं है, गाय नहीं है। हाँ, तो फिर कौन है? नहीं, मगर आपको ऐसा क्यों लगा कि घोड़ा आ नहीं सकता यहाँ पर, ये डॉग नहीं आ सकता? जस्ट लाइक दैट, क्योंकि देखो यहाँ पर से हम आए डिफरेंट रास्ते से, थोड़ा टफ था, मगर यहाँ से एक पूरा एक ट्रेल बनी हुई है। अगर आप ये देखो, सीधा सीधा ये ट्रेल जा रही है और ये आगे तक जाएगी, जो मेरे ख्याल से पुराना रास्ता होता होगा। राइट, क्योंकि पुराना पहले सड़क नहीं होती होगी। ये देखो ना, नीचे है कुछ तो, है ना वो। हाँ, वो ये देखो, वही है ना, ये छोटी ट्रेल है। नहीं, ये ट्रेल नहीं, रास्ता है। वहाँ कुछ लोग भी दिख रहे हैं, अगर आप दूर सामने देखो गाड़ी का रास्ता, तो वहाँ देखो कुछ लोग हैं वहाँ पर। गाड़ी का नहीं है वो रास्ता, वो पैदल का, पैदल का रास्ता है। और वहाँ पर दूर में कुछ लोग वो कुछ इकट्ठा भी कर रहे हैं, अब अगर उसको चेकआउट करो वहाँ पर। बोला यहाँ ये क्रॉस करके हिमालय है, ऐसा बोले? हाँ, ये क्रॉस करके सामने जो है ये मुंशियारी, धारचूला, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर होगा, और वो सारे स्नो कैप माउंटेन रहते हैं वहाँ पर। हो सकता है उस पीक में नहीं है जो दिख नहीं रहा हो यहाँ पर। एक बात बोलो। हाँ, वो देखो, वो तो ये तो बादल है, पर वो एक छोटी सी दिख रही है ना, हार्ड वाली, वो है क्या हिमालय? तो ये हम आए हैं कसार देवी टेम्पल, जिसमें थोड़ी सी ट्रैकिंग है, और जैसे, और ठंड बहुत ज़्यादा है, और ये थोड़ी ऊंचाई में है, चढ़ाई से है, मतलब नॉट इवन वॉकिंग, द कार का भी जो रास्ता है उसमें भी ज़्यादा है। एग्जैक्टली तो किलोमीटर पता नहीं कितना, हाइट कितना है मीटर इसकी, मगर हमारा सांस थोड़ा थोड़ा फूलता हुआ और नेचर के मज़े लेते हुए हम आगे चल रहे हैं, और देखते हैं कि आगे कितना और आगे है। मगर यहाँ पर देखिए, बिल्कुल वंडरफुल लोकेशन जिसमें हम जा रहे हैं। गोला साहब ठंड को कवर करते हुए लोही के साथ,
टेंपल किस तरफ है? कितना आगे, कितना आगे होगा? अच्छा, बोल रहा, थैंक यू, जय माता दी। When we do the best we can, we never knows what miracle is wrought in our life or the life of another. Very nice saying. Noted. छोटी सी बैठने की जगह, वेरी गुड, काफी अच्छी तरीके से, बहुत कम क्राउडेड। बुला रहा है, बंद करने का बेटा, सब रिकॉर्ड हो रहा है। चलो यार, हमारे ऊपर कूद जाएंगे। सुबह सुबह का ये व्यू, बिनसर के जंगल, और यहाँ पर हमने सुना है कि कुछ जानवर भी दिखते हैं। अलग अलग जगह बोर्ड लगे हुए, साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ ये जानवर दिख सकता है पॉसिबली, तो देखते हैं क्या रहेगा, कोई जानवर आज हमें मिलता है या नहीं मिलता है, बट लेट्स सी। एक्सपेक्ट है कि कोई बाघ दिखे या तेंदुआ दिखे और हम आपको रिकॉर्ड करके दिखा पाएँ, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और बैक करने की जगह मिल जाए बस यहाँ से। तो ये हम जा रहे हैं ढोकाने वाटरफॉल। तो दिस ढोकाने वाटरफॉल इज ऑलमोस्ट नियर अल्मोड़ा। एक सेकेंड, तो अभी हम जा रहे हैं ढोकाने वाटरफॉल, और ये ऑलमोस्ट अल्मोड़ा से कुछ 10-15 किलोमीटर पहले है, टूवर्ड्स नैनीताल अल्मोड़ा रोड, और उसके बाद वही रास्ता है आगे। ये ऑलमोस्ट नहीं, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग है, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग राइट, और हम 2.25 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आसपास आ चुके हैं, और उसके बाद वहाँ से हमारे को ट्रैक करना होगा थोड़ा सा, कुछ 1 किलोमीटर का। मगर मैं लास्ट टाइम आया था और वंडरफुल लोकेशन एक्चुअली। सो अभी आपको दिखाते हैं ढोकाने वाटरफॉल।
वॉज अ हिडन ट्रेजर और गवर्नमेंट ने ये रोड वगैरह बनाई है यहाँ पर, कच्ची सड़क ही है यहाँ पर ऑफ रोड, और उसके बाद ये लोगों को एक्सेसिबल है, गाड़ी तो खड़ी है, तो या एक गाड़ी भी खड़ी है, तो गोला साहब को थोड़ा सा भरोसा आया उससे कि गाड़ी खड़ी है, इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से हम नीचे जाएंगे पैदल पैदल। तो आगे का अपडेट आपको देते हैं हम, तो खाने में हमने क्या करा और पानी कितना है, इम्पोर्टेंट ये है कि अभी पहाड़ों से पानी नहीं आ रहा रास्ता है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, जितना भी होगा जैसे भी होगा आपको दिखाएंगे और अपडेट देंगे, तो हमारे साथ लगे रहिए, थैंक यू। तो अभी हमने आपको गाड़ी से ऑफ रोड दिखाया और उसके बाद यहाँ पर हम आपको ट्रैक दिखाते हैं, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग, और ये दूर से आपको पानी की कुछ आवाज़ सुनाई दे रही होगी, पानी मतलब झरने की। और ये देखिए अगेन इनटू द वाइल्ड, इनटू द जंगल, दिस इज़ इनटू द वाइल्ड। सो रात को ना आए कृपया, शाम के टाइम आए, नहीं मतलब शाम के टाइम नहीं, दोपहर के टाइम व्हेन यू आर इन लाइट। और यहाँ पर कुछ एक रेस्टोरेंट्स भी हैं और थोड़ी सी ठंड भी है, और अभी जैसा दिख रहा है पानी बहुत कम, वो देखिए सामने, देखिए सामने ये जहाँ पर, अगर आपको दिख रहा नहीं दिख रहा कैमरे में, बट सामने है यहाँ पर, ओहो पानी बहुत कम है। ये पानी पता कितना होता है, यहाँ से लेकर के वो जो हरे वो ग्रीन सॉरी ऑरेंज कलर के वो नहीं है पत्ते, इतना चौड़ा पानी होता है। मेरे पास एक वीडियो है दूसरी पुरानी, गर्मी होगी वो दिखाऊंगा आपको, इतना पानी होता है उसमें। सड़क बना रहे हैं जेसीबी पूरे खड़े पहाड़ में, यार ये लगा लो ना भैनचोद, जो 200 मीटर गड्ढे करते हैं भैनचोद फाउंडेशन के लिए, वो इन्हीं से तो कराते हैं। कहाँ गया रास्ता, ये रहा। ऊपर से कुछ मेन रोड से 3-3.5 किलोमीटर दूर, और यहाँ पर अभी भी कुछ अच्छा काम करते हुए, जहाँ पर वो पाथ बना रहे हैं, बट दैट इज़ वेयर यू हैव दिस लोकाने फॉल, लुक इनटू द लोकाने फॉल। अभी ठंड का टाइम है, ठंड के टाइम में क्या होता है कि स्प्रिंग वाटर जो होता है, बर्फ़ पिघल कम रही होती है ग्लेशियर्स में, और उसके बाद उसकी वजह से अभी हम छोटे मोटे झरनों में देखेंगे तो पानी वाली बंद है, और इस वाले ढोकाने फॉल में भी अभी पानी बहुत कम आ रहा है, ऑलमोस्ट आप ये कहिए कि अभी यहाँ पर इससे 10 गुना पानी आता है, और ये पानी पूरा यहाँ तक बढ़ जाता है, यहाँ तक के जो नीचे दिख रहा है आपको पूरा यानी यहाँ तक बढ़ जाता है। और अभी ये वही ठंड का टाइम है, जनवरी का टाइम है, तो बर्फ़ पिघल नहीं रही है ऊपर की तरफ पहाड़ों में, हिमालयाज में, और इसकी वजह से यहाँ पर अभी इतना ज़्यादा जो बर्फ़ है वो नहीं, पानी नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये ऊपर जो कर्व बना हुआ है, इधर तक एग्जैक्टली कितने लेवल से पानी गिरता है, इतना जहाँ पर मेरा उंगली का साइज़ है, इतने लेवल से पानी, तो मतलब ये ऑलमोस्ट 10-15 गुना पानी ज़्यादा गिरता है यहाँ पर अभी कंपेरेटिवली पानी से। अभी दिखाते हैं आपको दोबारा, और ये व्यू, क्या कहना चाहेंगे आप मिस्टर गोला? पहाड़ी पे जाने का मन हो रहा है, वो देखिए गुफा जो है। अच्छा,
मुझे लगा आप बाहुबली ट्राई करना चाहते हैं। नहीं बस वो देखिए कुछ तो अभी हम यहाँ पर गुफा में जाएंगे, गोला साहब का इच्छा कर रही है तो गुफा में देखते हैं क्या है और आपको दिखाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वैलिड पॉइंट पर बहुत सुंदर है सही में। मतलब इतना ऊंचा हम ट्रैक करके उतर के आए, वैसे ये भी एक अकॉम्प्लिशमेंट है। देखिए हाँ, पूरा मेन रोड से अगर आप लगाओ तो अरे वो सामने दिख रही है बिल्कुल ऊपर रोड। तीन किलोमीटर यहाँ से हम पैदल आए। हाँ, 3 किलोमीटर रोड है, 3 किलोमीटर दूर रोड है। वाह करेक्ट। गोला साहब की चप्पल भी जल रही है और ये देखो, मैं सोचा था थोड़ा सा गिरेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। आपका शॉट मिस हो गया, शॉट मिस हो गया, फनी शॉट मिस हो गया। ये हम पाइंस पहुंचे अभी और 3 किलोमीटर के आसपास हमें मिलेगा नैनीताल सिटी। तो अभी आपको दिखाते हैं नैनीताल सिटी पहुंचने के बाद कैसा लगता है, कैसा दिखता है। और तब तक आप ये देखिए हर जगह लैंडस्लाइड के काम कार्यक्रम वगैरह चल रहे हैं और नैनीताल में थोड़ा सा ठंडा, जैसे आप हमेशा से महसूस करेंगे नैनीताल में थोड़ा सा ज़्यादा ऑल्टीट्यूड की वजह से थोड़ा ज़्यादा ठंडा, थोड़ी ठंडक लगी है, थोड़ा सा ठंडा ज़्यादा महसूस हो गया यहाँ पर कंपेरेटिवली भीमताल और दूसरी जगहों से। तो अभी आपको दिखाते हैं थोड़ी देर दोबारा। और ये हम जस्ट गोला साहब के गाड़ी के झटकों के साथ साथ हम नैनीताल एंटर कर चुके हैं। देखिए आप सामने तालाब, ये है मल्लीताल एंड तल्लीताल नैनी झील और यहाँ पर ये बिजी नैनीताल की शहर, यहाँ ये रिक्शा स्टैंड। हाँ बिल्कुल राइट, रिक्शा स्टैंड, रिक्शा स्टैंड। और आगे अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पर ये बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति और ये हमारी हाँ जी 110। ₹110 फीस है एंट्री की। नैनीताल की साइड वाली रोड है ये, डिग्री कॉलेज से होते हुए, अब ये राजभवन से होते हुए तल्लीताल जाएगी। हाँ करेक्ट, चल तल्लीताल। मगर यहाँ पर ऑसम व्यू और अभी हम आगे क्या क्या नहीं दिखाएंगे वो नहीं बता सकते, मगर जो दिखाएंगे वो बता देंगे आप। कृपया तेज ना भगाएं, बोर्ड लगा हुआ था। नाली के ऊपर से लेते हुए